हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रहनुमा। आज मैं हेयर शैम्पू बनाना बता रही हूँ, हर्बल हेयर शैम्पू। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों के पाउडर्स को मैंने बराबर क्वांटिटी में लिया था और उसे एक बाउल में वाटर के साथ मिक्स कर लिया है। सेम प्रोसेस हमें शैम्पू के लिए भी करना है। इसको भी ओवरनाइट हमें ढक के रखना है। लोहे की कढ़ाई में आप रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, वो उसके लिए नेचुरल ब्लैक हेड्स भी आपके होते हैं, उससे मतलब नेचुरल कलर आपका वो ब्लैक देके जाता है आपके बालों में, अगर आप उसे उसमें रखते हैं लोहे की कढ़ाई में। ठीक है, इसका ऐसे पेस्ट बना लेना है वाटर के साथ। एक दिन बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ब्राउन और ब्लैक हो रहा है। अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में रखते तो ये जो है आपका बिल्कुल ब्लैक हो जाता। अब हम इसको जो है कढ़ाई में डाल करके पानी के साथ इसे हम पकाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना है, कढ़ाई में पानी ऐड करना है और ऑन कर देनी है गैस। उसके बाद हमें ध्यान से इसमें ये पेस्ट डाल देना है। जो आंवला और शिकाकाई की गुणवत्ता है वो सारी इस पानी के अंदर अच्छे से आ जाएगी, इसका सारा अर्थ निकल के इसमें आ जाएगा इसको पकाने से। इसे अच्छे से मिक्स कर देना। आंवला की वजह से ये झाग बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा वर्क करता है हेयरों पे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसे 10 मिनट छोड़ दिया था ऑफ करके फ्लेम, ताकि ठंडा हो जाए। अब हम इसे एक बाउल में कन्वर्ट करेंगे। बाउल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसे बाउल में कोई साफ कपड़ा, मेरे पास ये कपड़ा था, ये धुला हुआ मलमल का, इसे रखना है। और फिर उसके बाद हमें ये ध्यान से करिएगा, हाथ ना जला लेना, इसके अंदर ट्रांसफर कर देना है। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा इसमें बारीक बारीक दाने हैं शिकाकाई के और रीठा आंवला के, वो हमारे बालों में फंसे नहीं, क्योंकि बालों में अगर वो फंस जाते हैं ना तो हमें बहुत दिक्कत होती है उसे निकालने में। आपको मैं दिखा पा रही हूँ, इसको अच्छे से निचोड़ के निकाल लेना है। इसमें जो ये बचा है इसको भी मैं एक बार और निकालूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अगर बालों में फंसेगा आप शैम्पू करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसे मैं एक बार और निकालती हूँ। देखिए ये जो निकला है ये आपके बालों में फंस सकता था, इसलिए हमने इसे दोबारा छाना है। ठीक है, देखिए डिश में मैंने इसका अर्क निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम तीन चार चीज़ें ऐड करेंगे। आप ऐसे भी इसको अपने बालों पे स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू बनाने के लिए हम इसके अंदर आमंड ऑयल डालेंगे 2 चम्मच। इसके साथ इसके अंदर मैं अपना गुड वाइब्स का कैरेटिन माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी माइल्ड शैम्पू इसमें यूज़ कर सकते हैं, बेबी शार जेल भी यूज़ कर सकते हैं।
तीन पंप मैं इसमें सिर्फ डालूंगी। लास्ट में आप देखना कितना झाग इससे बनकर आ जाएगा। सिर्फ मैं इसमें तीन पंप डाल रही हूँ, देखना लास्ट में कितना इससे झाग बन के आ जाएगा। सिर्फ वो झाग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे को जो हेयर्स है उसमें ऑयल हो तो ऑयल निकल जाए। मैं इसे प्रिजर्व करना चाहती हूँ थोड़े टाइम के लिए, इसलिए इसको मैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के साथ, मतलब लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की दो बूंदें इसके अंदर डालूंगी। ये मैंने इसके अंदर डाल ली है, इससे थोड़ा टाइम ये प्रिजर्व हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। सो गाइस, रेमेडी देखिए अपने शैम्पू बनाने की, हर्बल शैम्पू हमने कैसे बनाया है। लास्ट में ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाटर बेस्ड शैम्पू हमने तैयार किया है, आप ये देख रहे हैं कितना प्यारा शैम्पू हमारा बन के तैयार हुआ है। ये हर्बल शैम्पू है। इस कंटेनर में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें से मैं आपको दिखा पाऊंगी। इस कंटेनर में मैंने पहले डाल लिया था इसको, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको नहीं दिखेगा इसमें से, इसलिए मैंने इसे इसमें भी डाल लिया है। यूज करने से पहले हमेशा इसको शेक करना है। हाँ, अगर आप इसमें शैम्पू नहीं डालना चाहते हैं, माइल्ड शैम्पू मैंने आपको इसमें डालने के लिए बोला है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ये आपके बालों में अगर ऑयल है तो उसको नहीं निकाल पाएगा, डर्ट है तो, ज्यादा डर्ट है तो उसको भी नहीं निकाल पाएगा। आपको इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालना पड़ेगा। मैंने इसमें दो तीन पंप माइल्ड शैम्पू के डाले थे, उसकी वजह से इसके अंदर झाग इतने अच्छे बन के तैयार। और अब बात रही एसेंशियल ऑयल्स की, अगर आप एसेंशियल ऑयल स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप एसेंशियल ऑयल उसमें डालते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल, मेरे पास तीन एसेंशियल ऑयल है, एक है टी ट्री का, दूसरा है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और तीसरा है टर्मरिक। मैं तीनों को की पिक्चर आपको पास से दिखा दूंगी, ठीक है। ये जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है ये एक्ने के लिए बेस्ट होता है, अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है, इसके पीछे लिखा हुआ है बेनिफिट्स फॉर डिटॉक्सिफाई एंड डिटॉक्सिफाई स्किन, हेल्प्स ट्रीट एक्ने। इसमें भी एक्ने के लिए लिखा हुआ है कि स्किन पे अगर आपके एक्ने है तो आप उसके लिए इसको किसी भी चीज में मिलाकर, DIY में मिलाकर लगा सकते हैं। और इसमें इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि मेक्स हेयर लॉन्गर शाइनियर एंड हेल्दियर, प्रोमोट्स साउंड स्लीप, ठीक है। तो हमारे बालों को ये लॉन्गर शाइनियर हेल्दियर करने में मदद करता है अगर आप इसे किसी चीज में डालते हैं, इसलिए मैंने इसे इस शैम्पू में डाला है ताकि ये प्रिजर्व भी कर पाऊं मैं थोड़ा टाइम। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ये आपका 2 हफ्ते भी आराम से चल जाएगा। आपको मैं शैम्पू करने के लिए बोलती हूँ कि आप अगर मार्केट वाला शैम्पू यूज करते हैं, हफ्ते में 2 बार यूज करें, उससे ज्यादा शैम्पू आपको यूज नहीं करना होता है। और अगर आप ये वाला यूज कर रहे हैं तो 3 से 4 बार भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हर्बल शैम्पू है, बालों को अच्छा करने के लिए शैम्पू है। और इसमें जो आंवला है वो कंडीशन भी करता है आपके बालों को। इसके पहले वाली जो वीडियो आई है उसमें मैंने आपको मास्क बताया है, वो मास्क आप महीने में 2 बार भी लगा सकते हो, 3 बार भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितनी बार उसे लगाना पसंद करोगे। लेकिन जितने लॉन्ग, जितना आप उसको यूज करोगे लॉन्ग रन में आपके बालों की हेल्थ को वो अच्छा करता है। गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी लाइक करने से आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये वीडियो बनाने में कि हाँ हम किसी की मदद कर पाए हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप ऐसे DIY वाली वीडियोस देखना चाहते हैं। DIY के साथ मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यूज भी दिखाती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एसेंशियल ऑयल्स का दिखाया है, और ये टर्मरिक वाला है, टर्मरिक वाला स्किन को बहुत अच्छा करता है, आपकी स्किन में ग्लो लेकर आता है। टी ट्री वाला एक्ने के लिए है, आपको मेरी किसी भी वीडियो में दिख जाएगा टी ट्री मैंने एक्ने के लिए ज्यादा यूज किया है, और ज्यादातर ये एक्ने के लिए ही यूज किया जाता है, बाकी दोनों भी आप यूज कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल्स बहुत तरीके के होते हैं, रोजमेरी वगैरह बहुत सारे होते हैं, उन सबका रिव्यूज भी मैं इस चैनल पे आपको दूंगी। और वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी, फन वीडियोस, हैक्स वीडियोस, सब कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए मेरे चैनल का नाम मैंने रखा है ऑल इन वन चैनल, जिसमें आप सभी का प्यार शामिल हो। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए। बाय बाय।